अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी. पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? बर सिद्धी, अगदी बरोबर. परसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपूर. पार्चर समाचार यांचे अध्यक्ष आदरणीय राजेशजी नायडू यांच्या माध्यमातून मागील 3 वर्षापासून त्यांचा हा न्यूजपेपरच्या माध्यमातून सतत उपक्रम चालू आहे. या शहरात अतिशय चांगलं काम त्यांचं आहे आणि समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत जाऊन सगळ्या न्यूज त्या लावाचं काम या त्यांच्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून होत आहे. आणि माझ्या त्यांच्या या 3 वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्ताने या ठिकाणी त्यांचा मोठा कार्यक्रमसुद्धा आहे. या कार्यक्रमांना मनापासून माझ्या शुभेच्छा. भविष्यातही असं चांगल्या पद्धतीचं काम या पार्थशहर समाचारच्या माध्यमातून व्हावं आणि दिवसेंदिवस प्रगती या वृत्तपत्राने करावी. थँक्यू. विदर्भ का सर्वोत्तम न्यूज चॅनल पार्थशहर समाचार. पार्थशहर समाचार को 3 साल कंप्लीट हुए है और चंद्रपुर के क्रीड़ा क्षेत्र में रहो और डिजिटल क्षेत्र में रहो, श्री राजेश नायडू इन्होंने अपना नाम कमाया है. और जब ये समाचार के क्षेत्र में आए, डिजिटल क्षेत्र में आए, तो उन्होंने पार्थशहर समाचार का नाम भी चंद्रपुर के लिए बहुत बड़ा किया, गौरवास्पद किया. मैं इस पार्थशहर समाचार के 3rd साल कंप्लीट होने के बाद में मैं मेरे तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं जिस कन्या नागरी बैंक का उपाध्यक्ष हूँ, मेरे बैंक की तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ. हर साल चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव पुरस्कार दिया जाता है और मुझे इस पार्थशहर समाचार के बारे में एक अलौकिक लगता कि वह चंद्रपुर के कलाकार लोगों को पुरस्कार देके गौरवान्वित करना, ये बहुत बड़ी बात है. और ये समाचार ये काम करती है, निरंतर कर रही है, इसलिए मैं चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर रत्न, उनको भी मेरे तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर में शुक्रवार 2 फरवरी की रात बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना नेता राहुल पाटिल और पूर्व नगर सेवक महेश गायकवाड़ पर गोली चला दी. गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ पर पुलिस थाने के अंदर गोली चलाई. अब इस घटना का वीडियो सामने आ गया है. पुलिस थाने के अंदर की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पीला कुर्ता पहने बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ अचानक से कुर्सी पर बैठे लोगों पर फायर ठोक देते हैं. छोटे से कमरे में अचानक गोलियां चलने से अफरा तफरी मच जाती है. महेश गायकवाड़ और उनके साथ आए लोग बाहर की ओर भागते हैं. इस बीच पुलिस भी अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन चलती गोलियां देखकर रुक जाती है. किसी तरह गणपत गायकवाड़ पर काबू पाया जाता है. इस बीच दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते भी देखे जा सकते हैं. आपको बता दें कि इस घटना में महेश गायकवाड़ गंभीर रूप से घायल हो गए और पाटिल को भी गोली लगी. दोनों का इलाज ठाणे के जुपिटर अस्पताल में किया जा रहा है. घटना के बाद अधिकारियों ने विधायक गायकवाड़ और उनके सुरक्षा गार्ड दोनों को हिरासत में ले लिया. बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने इस घटना के बाद एक समाचार चैनल से बात भी की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया. पुलिस द्वारा अभी फिलहाल इस जमीन से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है और गोली लगे दोनों व्यक्तियों की हालत गंभीर मगर स्थिर बताई जा रही है. पार्थशहर समाचार के द्वारा अपने चंद्रपुर की ये जो सेवा चल रही है उसका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ. बीते 3 वर्षों से चल रहे उपक्रम जिसमें कि चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण का पुरस्कार दिया जाता है, चयन समिति इसमें चयन करती है, एक अच्छा उपक्रम मैं समझता हूँ. पत्रकारिता में ऐसे कार्य करना भी एक अनोखी बात सामने आई है. मैं उनके जो संचालक है राजेश नायडू जी को मैं बधाई देता हूँ. आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपका जो अखबार चलता है पार्थशहर न्यूज, उसमें से काफ़ी जनता को जानकारी मिलती है, सेवा होती है.
मैं वर्षगांठ की शुभकामना देता हूँ और उपक्रम के लिए भी शुभकामना देता हूँ। मी अनिल धानोरकर पार्थ शर समाचार यांच्या तिसऱ्या वर्षगांठ निमित्त त्यांना शुभेच्छा देतो की एक चांगलं कार्य त्यांच्या माध्यमातून समाज उपयोगी कार्य होत आहे आणि चांगले समाचार ते दाखवत आहे असंच कार्य त्यांच्याकडून नेहमी होत राहावं असे मी त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थसर समाचार के माध्यम से 9 फरवरी 2024 को तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार दिए जाने वाले हैं, मैं बहुत बहुत सदिच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक सर्वोत्तम अपने आप में उपक्रम है। समाज के उत्तम लोगों के पीछे खड़े रहना, ये जब समाज ये कृति करता है तो अच्छे लोगों को काम करने की इच्छा जागृत हो जाती है। आज हमें अच्छे लोगों को पुरस्कृत करते हुए सज्जन शक्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और आज पार्थसर समाचार इस माध्यम से सज्जन शक्ति का जो गौरव कर रहा है, कर्तृत्वशाली व्यक्तियों का जो गौरव कर रहा है, मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरा विश्वास है श्री राजेश नायडू जी के नेतृत्व में हम यहां के कोहिनूर व्यक्तिमत्व को ढूंढेंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्थसर समाचार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स, होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेज, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी मूल रोड चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125। अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट, पर अब आपको मिलेगा ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा? स्टोरेज, दो हेलमेट आराम से आ जाएंगे। पावर 125cc, यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई टीवीएस जुपिटर 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। जय महाराष्ट्र। मी जयदीप रोडे, शिवसेना माजी उपजिल्हा प्रमुख चंद्रपूर। पार्थशर समाचाराचे 9 फेब्रुवारीला 3 वर्ष पूर्ण होत आहे। पार्थशर समाचार हे एक विदर्भातलं हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनल आहे आणि खूप सुंदर प्रकारे यांनी जनतेचे प्रश्न मांडलेले आहे। याचा एक निजी अनुभव आहे मला आणि जनतेत ज्या प्रकारे निर्भीडतेने पत्रकारिता करत आहे, तर माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहे। 3 वर्ष पूर्ण 9 फेब्रुवारीला होत असताना त्यांना, आणि असेच त्यांनी पुढचेही अनेक वर्ष पूर्ण करावे यासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। जय महाराष्ट्र। येत्या 9 फेब्रुवारी 2024 तिसऱ्या वर्षात यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या पार्थशर समाचारला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। पार्थसर समाचार की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं अजय सरकार की ओर से शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे ही पार्थसर समाचार अच्छा काम करते रहें, मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद। उद्धव बाला साहब ठाकरे और युवा सेना प्रमुख आदित्य उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में विश्वास करके वरोरा भद्रावती विधानसभा प्रमुख रविन्द्र शिंदे लगातार चंद्रपुर में जनहित और जनसेवा के कार्य कर रहे हैं। चंद्रपुर जिला युवा अधिकारी रोहन कुटे माटे, वरोरा तालुका प्रमुख दत्ता भाऊ बोरीकर, वरोरा शहर प्रमुख खेमराज कुरेकर, उप जिला युवा सेना अधिकारी शरदपुरी की उपस्थिति में वरोरा भद्रावती विधानसभा के वरोरा के युवा शिवसेना पार्टी में शामिल हुए। शिवसेना के वरोरा भद्रावती विधानसभा प्रमुख रविंद्र श्रीनिवास राव शिंदे की नियुक्ति के बाद से पार्टी में जोश आ गया है।
साथ ही चूंकि वो वरिष्ठ और युवा शिव सैनिकों के साथ काम करते हैं, इसलिए सभी को पार्टी में काम करने का मौका मिलता है। इसलिए देखा जाता है कि कई शिव सैनिक उनके नेतृत्व पर भरोसा करके पार्टी में शामिल होते हैं। चूंकि रविंद्र शिंदे ने भी 80% सामाजिक कारण और 20% राजनीति को अवधारणा को अपनाया, जिसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने सिखाया था। और क्योंकि वो और उनके पदाधिकारी शिव सैनिक लगातार जनता की सेवा में है, जनता का शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिसके तहत आज 3 फरवरी 2024 शनिवार को वरोड़ा से महेश लक्ष्मण राव भिवाडरे, गणेश प्रभाकर लांजेकर, गणेश संतोष बर्डकर, अमोल मोजेश गज्जलवार, साहिल अशोक येमुलवार, करण सुधाकर अवचारे, मेहराज महादेव देवलाकर, अजय उकुडे, कुणाल वानखेड़े देवानंद के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए रविंद्र चंदे, मुरलीधर देउलकर, सुमित रमेश येसेकर, ईश्वर शंकर देवालकर, बादल भाग्यवान मडावी, राकेश मुरलीधर देउलकर के समक्ष युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज तंदूरी कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461997207556199। पार्थशर समाचार यांचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा होता है, आणि त्या वर्धापन दिनानिमित्त चंद्रपूर रत्न आणि चंद्रपूर गौरव आणि चंद्रपूर भूषण असा पुरस्कार पार्थशर समाचारद्वारे देण्यात आलेला आहे। नियमित पार्थशर समाजाचं जे हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनल आहेत, हे नियमित चांगल्या प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित करत असतं आणि त्यांच्या या उपक्रमासाठी मी माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे। आणि पार्थसर समाचारचा जो तिसरा वर्धापन दिन आहे, त्या दिनासाठी सुद्धा मी माझ्याकडनं मी रमेश राजूरकर हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे। नमस्कार, विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थसर समाचार, इनका 9 फरवरी 2024 की तीसरी वर्षगांठ है। सफलतापूर्वक 3 वर्ष पार्थशर समाचार इन्होंने विदर्भ में पूरे किए, इसके लिए मैं सूरज ठाकरे आम आदमी पार्टी एवं जय भवानी कामगार संगठन की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को चंद्रपूर रत्न, चंद्रपूर गौरव एवं चंद्रपूर भूषण पुरस्कार इनके माध्यम से जिन्हें भी मिल रहा है, उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। चंद्रपुर में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जानता राजा इस महानाटक का आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक मंत्री और भाजपा नेता सुधीर मुंगन तिवार द्वारा इसका आयोजन किया गया, मगर सरकारी कार्यक्रम होने की वजह से चंद्रपुर के स्थानिक विधायक किशोर जोरगेवार ने प्रोग्राम स्थल पर बड़ा स्वागत गेट लगाने से भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हो गए और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और यंग चांदा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं में इस गेट के विवाद को लेकर आपस में झड़प हो गई। इसके बाद भाजपा की ओर से जोरगेवार के वेलकम गेट बैनर के सामने उतना ही बड़ा सुधीर मुनगंटीवार का वेलकम गेट बैनर लगाया गया, जिससे दोनों ही सत्ताधारी पक्ष में होने के बावजूद आपस के विवाद की वजह से चर्चा में आ गए और आगे ये विवाद क्या रंग लाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसलिए आए कि हमने परमिशन ली थी यहाँ की स्वागत गेट की, हम परमिशन लेके लगा रहे थे, लेकिन हमारे दोनों तरफ की परमिशन थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता कुछ यहाँ पर आए, उन्होंने वाद विवाद किया, ये जगह पे हम लगाएंगे, उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पर अपना गेट लगाने की कोशिश की, हमने उन्हें रुकाना चाहा, लेकिन वो माने नहीं, फिर हमारे दोनों बोलाबाली हो गई है, कुछ बातचीत हुई है, अब उसके बाद सोल्यूशन हमने सुलह करी आपस में और फिर हमने उसको निपटा दिया मामले को। राजा सारखं एक चांगलं नाटक आजपासून सुरू होत असताना काही प्रसिद्धीकरिता, नागरिकांच्या स्वागताकरिता
गेट लावण्यात येत होतं, परंतु काही विचित्र लोकांनी ते गेट लावायचं नाही म्हणून अशी शक्कल लढवली. आदरणीय सुधीरबाबांच्याच नेतृत्वात या चंद्रपूर शहरात या चंद्रपूर जिल्ह्यात चांगले कार्यक्रम सुरू असताना अशा पद्धतीचे वाद घालणं हे कदापि राजकीय क्षेत्रातील काही पदाधिकाऱ्यांना अशोभनीय आहे, काही लोकप्रतिनिधींना अशोभनीय आहे. आदरणीय सुधीरभाऊ हे महाराष्ट्रातलं एक मोठं नाव आहे आणि चांगले कार्यक्रम कसे खराब करता येईल, कसे वादग्रस्त करता येईल, अशा पद्धतीचे फालतूचे जे काही उपक्रम काही नागरिकां काही लोकप्रतिनिधीकडून जे राबवण्यात येत आहे ते कदापि आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी खपवून घेतल्या जाणार नाही. आणि म्हणून जे गेट आम्ही लावतो आहे ते नियमानुसार लावतो आहे, नागरिकांच्या स्वागतासाठी लावतो आहे. अशा पद्धतीचे चांगल्या उपक्रमात अडथळा टाकणे हे आम्ही कधीही खपवून घेणार नाही. याकरिता हे जे गेट इथे दिसते आहे ते नागरिकांच्या स्वागताकरिता आहे, त्यांनी लावू दिलं पाहिजे. एखाद्यांनी जर त्यांचंही गेट लावलं असेल त्याला आमचा विरोध नाही, परंतु आमचे गेट लागत असताना काहीतरी नामुष्की ओढवण्यासाठी नागरिकांना आता आदरणीय सुधीरभाऊंचं नेतृत्व हे सर्वसामान्य आहे, सर्वमान्य आहे हे माहीत असताना आपली काहीतरी शक्कल लढवणे हे बंद केलं पाहिजे. पार्थ सर समाचार गत 3 वर्ष से चंद्रपुर जिले में कार्यरत है और इस वर्ष उनको 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस समाचार पत्र को समाज के हित के लिए राष्ट्र हित के लिए मैं शुभ संदेश देना चाहूँगा और शुभकामना का करना चाहूँगा कि ये पार्थ सर समाचार जो है आगे अच्छी तरक्की करे और लोगों में अच्छा संदेश पहुँचाए. विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थशर समाचार के तीसरे वर्धापन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये पार्थशर समाचार जो है वो दिन ब दिन इसकी प्रगति हो ऐसी मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूँ. चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट. चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट. एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट घंटा चौकी मूल रोड चंद्रपुर. कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीश पतरंगे मोबाइल नंबर 9764871578.